थायरस्टर और HCR संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थायरस्टर क्या है? थायरस्टर एक पावर डिवाइस या पावर कंट्रोल डिवाइस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन, थायरस्टर फैमिली का मोस्ट पॉपुलर डिवाइस कौन सा है? तो थायरस्टर फैमिली का सबसे मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है, उसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, मतलब SCR। तो इसका ऑप्शन है ए। थर्ड क्वेश्चन है, थायरस्टर के डिवाइस के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? थायरस्टर डिवाइस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, यूनिडायरेक्शनल, लैच, बाईडायरेक्शनल और ट्रिगर। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है, थायरस्टर डिवाइस की मुख्यतः कितने स्टेट होती है? थायरस्टर डिवाइस की मुख्यतः दो स्टेट होती है, ऑफ स्टेट और ऑन स्टेट। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, थायरस्टर फैमिली डिवाइस को बनाने के लिए मुख्यतः किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? थायरस्टर फैमिली डिवाइस को बनाने के लिए मुख्यतः सिलिकन मटेरियल का ही यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सिलिकन का लीकेज करंट जर्मेनियम के कंपेयर में कम होता है, इसलिए उसका थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, इसलिए हम सिलिकन मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो पाँचवें का राइट आंसर है ऑप्शन ए। छठा क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, थायरस्टर को ऑपरेट करने हेतु किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? तो थायरस्टर को ऑपरेट करने हेतु हम दो ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, एक वोल्टेज ऑपरेशन और दूसरा करंट ऑपरेशन। तो सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी। अब क्वेश्चन सेवन का है, सिलिकन मटेरियल का लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट कितनी होती है? तो सिलिकन की लीकेज करंट या रिवर्स लीकेज करंट होती है 10^-9, यानी नैनो एम्पियर। तो सेवन का करेक्ट ऑप्शन है बी। एट क्वेश्चन है, जर्मेनियम मटेरियल का लीकेज करंट या रिवर्स लीकेज करंट या माइनॉरिटी करंट कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिसे बोलते हैं हम माइक्रो एम्पियर। क्वेश्चन नाइन्थ, किस मटेरियल की कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में सिलिकन और जर्मेनियम दिया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी सिलिकन के कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो नाइन्थ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी। टेंथ क्वेश्चन है, थायरस्टर फैमिली डिवाइस को बनाने हेतु कितनी मिनिमम लेयर की आवश्यकता होती है? तो थायरस्टर फैमिली को बनाने हेतु मिनिमम चार लेयर या दो से अधिक पीएन जंक्शन लेयर पेयर की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इलेवंथ क्वेश्चन है, SCR किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो SCR करंट रीजनरेशन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ट्वेल्थ क्वेश्चन, SCR में कितने टर्मिनल होते हैं? तो SCR के तीन टर्मिनल होते हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं एनोड, कैथोड और गेट। तो ट्वेल्थ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। थर्टीन क्वेश्चन, SCR डिवाइस को बनाने हेतु समय मटेरियल की डोपिंग की जाती है, लाइटली डोपिंग की जाती है और हाईली डोपिंग की जाती है। लाइटली SCR को बनाने हेतु J1 जंक्शन के पी टाइप मटेरियल को हाईली डोपेड और J3 जंक्शन के एन टाइप मटेरियल को हाईली डोपेड और J2 जंक्शन के P1 और N1 को लाइटली डोपेड किया जाता है। अर्थात J1 और J3 को हाईली डोपेड किया जाता है और J2 को लाइटली डोपेड किया जाता है। तो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिसमें लाइटली डोपिंग और हाईली डोपिंग दोनों की जाती है। SCR डिवाइस है, SCR एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, जिसे हम लैच बोलते हैं। तो 14th का करेक्ट ऑप्शन है ए। 15th क्वेश्चन, SCR इक्विवेलेंट सर्किट में कितने ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है? जब हम SCR के इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर सर्किट को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें दो ट्रांजिस्टर उपयोग में आते हैं, एक NPN और दूसरा PNP। तो 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। 16th क्वेश्चन, SCR कंस्ट्रक्शन में कितने जंक्शन होते हैं? तो SCR को कंस्ट्रक्शन करते वक्त तीन जंक्शन होते हैं, जिसे बोलते हैं J1, J2 और J3। J1 और J3 हाईली डोपेड होते हैं और J2 लाइटली डोपेड होते हैं। तो 16th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए। 17th क्वेश्चन, SCR ऑफ स्टेट में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? तो SCR जब ऑफ स्टेट में होता है तो J2 जंक्शन पर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 mΩ या उससे अधिक होता है। तो 17th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। SCR एक स्विच है, SCR एक फास्टेस्ट स्विच है, जो BJT से भी फास्ट काम करता है, जो 10^-9 की स्पीड से भी काम कर सकता है, मतलब नैनो सेकेंड के स्पीड से काम करता है। तो 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 19th क्वेश्चन, SCR को किस टर्मिनोलॉजी द्वारा बनाया जाता है? तो SCR को मैसा टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है। तो 19th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए। 20th क्वेश्चन है, SCR कंस्ट्रक्शन में पी टाइप मटेरियल से कौन कौन से टर्मिनल निकाले जाते हैं?
तो जब हम ऐसे कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो पी टाइप मटेरियल से दो टर्मिनल निकाले जाते हैं, जिससे पी वन से एनोड निकलता है और पी टू से गेट निकलता है। तो हम ये बोल सकते हैं 20 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी। इसी प्रकार हमने एमसीक्यू फर्स्ट में 20 क्वेश्चन जो एससीआर और थायरस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसकी आंसर शीट भी आपको दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट में हम दूसरे एमसीक्यू को प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।